हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पर ये एरर आ रहा है आपको, तो ये एरर आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक एरर देख पा रहे हो कि एरर बायोस लेगेसी मोड बूट ऑफ UEFI ओनली मीडिया। तो ये एरर आपको आता कब है, अगर आपका लैपटॉप के बायोस के अंदर लेगेसी मोड सेलेक्ट है और यहाँ पर जो आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर रहे हो, अगर आपने वो UEFI मोड में बनाया है, तो यहाँ पर ये एरर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा जिनका यूज करने से आप ये प्रॉब्लम ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका लैपटॉप है, एक बार आप पेन ड्राइव हटा लीजिए उससे, जैसे कि मैंने हटा लिया, और कोई भी एक की प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, जैसे कि मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और हम लोग इसकी बायोस के अंदर जाएंगे। तो बायोस के जाने के लिए आपको F2 या फिर जो आपका सिस्टम है बायोस में जाने के लिए कौन सा बटन यूज करते हो, तो वो प्रेस करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बायोस के अंदर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पहला मेथड तो ये रहेगा, आपको आपका जो लैपटॉप है उसके बायोस मोड के अंदर आ जाना है। ठीक है, आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बूट सीक्वेंस के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको बूट सीक्वेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लेगेसी एंड UEFI। अगर यहाँ पर आपका ऐसे सिलेक्ट है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे कि आप लेगेसी मोड यहाँ पर सिलेक्ट था, तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर ये मोड सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर ओके कर देना है, क्योंकि जो आपने पेन ड्राइव क्रिएट किया था उस टाइम आपने UEFI मोड सेलेक्ट करके रखा था, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पर बायोस में जाके आप सेट कर सकते हो। एक तो मेथड ये है, यहाँ पर हम लोग इसको बंद करेंगे और जो आपका पेन ड्राइव है वापस से इसको सिस्टम के साथ लगा देना है, जो आपका बूटेबल पेन ड्राइव है, और इसको एक बार बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट होने देंगे, देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंडोज़ लोडिंग फाइल्स, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को पहले एरर आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने लेगेसी मोड सेलेक्ट करके रखा था। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये है फ्रेंड्स, आप इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका लेगेसी मोड ही सिलेक्ट रहे, तो आपको सेकेंड मेथड में क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपका पेन ड्राइव है, एक बार आप यहाँ सिस्टम से निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम था, जो पहले एरर आ रहा था, हमारा अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे कि आगे इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। सेकंड मेथड में अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है आपका, और आप चाहते हो कि जो आपका सिस्टम है वो लेगेसी मोड में ही रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास सेकेंड लैपटॉप है, कोई दूसरा लैपटॉप है, तो उस पर आपको जाना है। जैसे कि मेरे पास एक दूसरा लैपटॉप है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैंने क्या किया, जो ये पेन ड्राइव है यहाँ पर मैंने उसको लगा दिया है। ओके, लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है साइट से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, रिफ्यूज करके आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा साइट से, गूगल में आप टाइप करोगे सेम वर्जन के साथ, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इसने ऑलरेडी आपने GPT फॉर्मेट के अंदर बनाया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक जो ISO है, जो आपका जो आप जिससे बना रहे हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये GPT फॉर्मेट है आपको यहाँ पर दिखेगा, इस पर आपको यहाँ पर MBR सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर आपको MBR, यहाँ पर गलती की थी आपने यहाँ पर GPT फॉर्मेट सिलेक्ट करके रखा था, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर MBR सिलेक्ट करना है जब भी आप पेन ड्राइव बूटेबल बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ओनली यही रखना है आपको। NTFS आपको यहाँ पर सेट करके रखना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ये हमारा पेन ड्राइव था वापस से बूटेबल होगा विद विंडोज 7 या फिर आप विंडोज 10 क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर वापस से पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा प्रॉपर उस बूट के साथ।
उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए आपका बूटेबल क्रिएट होना पेन ड्राइव का, तो आप अपना सिस्टम में लगा के और वापस से आपको क्या करना है, अगर आपने आपके सिस्टम की बायोस के अंदर लेगेसी मोड से हटाकर यूएफआई सिलेक्ट करके रखा था, वापस से आपको लेगेसी मोड सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे कि हमारा जो पेन ड्राइव है बूटेबल हो जाए और हम लोग उसको चलाएंगे। इसी जब तक ये पेन ड्राइव बूटेबल क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम है उसकी बायोस के अंदर जाएंगे। हम लोगों ने एक्चुअली में जो लेगेसी मोड से हटाकर यूएफआई मोड सेलेक्ट कर लिया था, तो हम लोग यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, वापस से बायोस के अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग बायोस मोड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बूट सीक्वेंस के अंदर जाना है वापस से, और यहाँ पर आपको लेगेसी ही मोड सेलेक्ट करना है वापस से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी MBR हमारा जो पेन ड्राइव है वो हम लोग MBR में अभी बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेगेसी मोड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर देना है सेटिंग को, और यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसको आपको एग्जिट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है, तो हम लोग अभी इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर बंद कर देना है पहले इसको, और यहाँ पर सेफली रिमूव करना है आपको सिस्टम से। जैसे ही आपका पेन ड्राइव यहाँ से रिमूव कर लेंगे और जो हमारा सिस्टम है वापस से इसके साथ अटैच कर देंगे इसको, और जो हमारा लैपटॉप है एक बार उसको रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा सेकंड मेथड भी काम कर चुका है। यहाँ पर ये देखिए जो आपको एरर आ रहा था पहले वो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पर बूट एरर का प्रॉब्लम आ रहा है UEFI, तो वो आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन द्वारा ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।